वो डकैती करता था, आदमी सबको पकड़ के उसका लूटता था, हरण करता था। अब एक बार ऐसा मौका हुआ कि उस रास्ते से एक ऋतिक दादा गुजर रहे थे। अब ऋतिक दादा को वो पकड़ लिया और उस रास्ते से कोई जाएगा तो उस छोड़ता नहीं, बोला कुछ ना कुछ इससे हासिल करना ही है। तो ऋतिक दादा बोले मेरे पास तो कुछ नहीं है, खाली गुरु का मंत्र है, इसको हम दे देते हैं तो तुम्हारा मंगल ही मंगल हो जाएगा। तो डकैत सोचा कुछ नहीं मिला तो मंत्र ही शायद एक तो ले लेते हैं। उसने उस ऋतिक दादा के चंगुल में पड़ गया और दीक्षा भी हो गई उसका। अब डकैत का दीक्षा, डकैत को एक ठाकुर जी का फोटो दिया गया। ऋतिक दादा ने बोले इस फोटो को रखो, इसको पूजा पाठ करना, स्मृति जो सब कुछ समझाया, लेकिन वो तो स्मृति करने वाला भी नहीं था, कुछ नहीं था। फोटो उसको बहुत पसंद आया, एक गाज का जो कटोरा था उसमें उसको रख दिया, एक गाज का जो छेद था उसमें रख दिया ठाकुर जी का फोटो। और वहाँ जब भी डकैती करने जाता था एक धूप कट्टी या अगरबत्ती लगा लेता था, वो अगरबत्ती जला कर ठाकुर जी को प्रणाम करके डकैती करने निकलता था। और डकैत का ठाकुर जी बन गए, वो हमारा ठाकुर जी डकैत का ठाकुर जी बन गए। अब हुआ क्या, वो तो डकैती करता ही जाता था, उसका ऐसा भावना का कोई परिवर्तन भी नहीं हुआ। तो वहाँ एक फॉरेस्ट रेंजर तब दिल्ली से वहाँ पहुँच गए। अब पहुँच जब गए तो सुने कि इस क्षेत्र का सबसे भयंकर प्राण है वो आदमी, और उसको कान में ये भी आया कि वो दीक्षा भी लिया है, और एक गाज का एक वहाँ छेद है, वहाँ ठाकुर जी को फोटो रखता है, वहाँ अगरबत्ती जला के वो डकैती करने निकलता है, इतना भी उसको खबर आया। खबरी जो था सब खबर जब दे दिया तो वो डकैत के घर में ही पहुँच गया रेंजर, और जाके पूछा कि तुम सुने हैं दीक्षा लिए हो, ठाकुर जी का ऐसा फोटो भी वहाँ रखते हो और ऐसे करके डकैती करते हो, ठीक है करो, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन हमको लगता है कि ठाकुर जी को ऐसे गाज के छेद में रखना ठीक नहीं है, इसके लिए एक तो मकान बनाना जरूरी है। बोला ठीक है हम बना देंगे, कौन सी बड़ी बात है, लेकिन कहाँ बनाएं? बोले हम फॉरेस्टर हैं, हम तुमको एक तो जमीन अलॉट कर रहे हैं, ये मेरे पावर में है, थोड़ा सा जमीन तुमको दे रहे हैं, तुम उसमें एक ठाकुर घर बना लो और वहाँ ठाकुर जी को रख के पूजा पाठ करके फिर तुम अपना काम में निकलो। अरे ठीक है, वो मान गया। अब रेंजर बोलते हैं ठीक है, लेकिन इस जो मकान बनाओगे गुरु का मकान, ये डकैती के पैसा से नहीं होगा, तुम आदमी के घर में जाना पड़ेगा, भिक्षा करना पड़ेगा, गुरु का दया की कथा बोलना पड़ेगा, भिक्षा करना पड़ेगा, उस पैसा को एकत्रित करके इस मकान को बना पाओगे। तो वो भी मान लिया। अब वो घर घर में जाता था, ठाकुर जी के दया का कथा बोलता था, और बोलते बोलते वो भिक्षा भी करता था कि देखिए मैं अपना गुरु के लिए एक तो घर बनाना चाहता हूँ, मंदिर बनाना चाहता हूँ, एक तो केंद्र बनाना चाहता हूँ, आप हमको मदद कीजिए। सब कोई कुछ ना कुछ दे देता था। वो क्रम में उस ठाकुर घर बन गया, ठाकुर घर बन गया, ठाकुर जी प्रतिष्ठित हो गए, लेकिन उस आदमी का संपूर्ण परिवर्तन हो गया। वो अब डकैती नहीं करता था, वो ठाकुर जी की दया की कथा बोलता था। यह है ठाकुर जी की लीला, यह है ठाकुर जी की लीला। जिस घट में, जिस प्राण में एक बार प्रवेश करे, वो यदि उसको स्पर्श को कायम रखते जाए तो उसका परिवर्तन होगा ही, और मंगल में ही परिवर्तन होगा। वो आचार्य देव के पास आता था, वो आदमी बाद में भी आता था, नाट मंडप के बाहर से बहुत चिल्ला चिल्ला के बोलता था, अपनी कथा बोलता था, और आचार्य देव बोलता है इधर आके बोलो, सामने में आके बोलो। वो बोलता है इस जन्म में हम बाहर से ही बोलते हैं, अगले जन्म में हम वहां बैठेंगे, इस जन्म में बहुत ऐसा कार्यक्रम किए हैं कि वहां जाने की शक्ति नहीं है। उस आदमी का देहांत हो गया, लेकिन हम बोल रहे हैं एक परिवर्तन की कथा, एक आदमी का बदलाव की कथा। इस बदलाव कैसे संभव हुआ कि वो ठाकुर जी को स्पर्श किया, ठाकुर जी उनमें स्पर्श किए इसलिए उनमें परिवर्तन हुआ। दया की कथा ऐसे बोला जा सकता है, सैकड़ों दया की कथा, सैकड़ों दया की कहानी बोला जा सकता है। इन दया की हम एहसास करते हैं, हम सबको एहसास करते हैं, कभी ना कभी दया हमारा जीवन में भी स्पर्श करता है, कभी कभी जागरूक होकर वो दर्शन देता है वो दया, लेकिन हम बयान नहीं करते हैं, हम मौन रहते हैं, हम कथा को अपने ही जहन में दफना के रख देते हैं, बोलते नहीं हैं। क्यों नहीं बोलते हैं?
क्योंकि हम शर्म महसूस करते हैं कि हम किसी का दया के आभारी हैं। ईश्वर से